हेलो माय लवली चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू अवर स्कूल यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम क्लास टेंथ में बायोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें हमारी यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस को जानेंगे, क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, यानी जीवन की प्रक्रिया जो है वो क्या है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, सेक्रेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यानी मानव सहित जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन यानी जो क्या है, पोषण है, और श्वसन है यानी रिस्पायरेशन है, एक्सक्रेशन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दीज एक्टिविटीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा ये एक्टिविटीज़ जो है वो कौन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। एंड थ्रू सच एक्टिविटीज़ दे मेंटेन देयर लाइफ। इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से वे अपने जीवन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दीज मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, इसकी मतलब जो कार्य करते हैं, उस जीवन की प्रक्रिया को के रूप में उसको जाना जाता है। द लाइफ प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलो। फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम क्या करें पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। सेकेंड है हमारा रेस्पायरेशन, इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम, दैट मीन्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट द मटेरियल द बॉडी ऑर्गेन्स। नंबर फोर है हमारा एक्सक्रीशन, रेनल सिस्टम, रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम को। मीन क्या है इसका, मेंटेन द एनर्जी विच ऑब्टेन बाय फूड। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। वेरी गुड। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस को जान लेते हैं। द इनटेक ऑफ फूड टुगेदर विद यूटिलाइजेशंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ फूड प्रोडक्शन मैकेनिज्म, देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चे न्यूट्रिशन जो होता है वो टू टाइप्स होता है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑटो मीन होता है बेटा सेल्फ, वो न्यूट्रिशन जो मतलब सेल्फ, दूसरों पर डिपेंड ना हो और खुद पर ही डिपेंड होकर अपना फूड क्या करें, प्रिपेयर करें, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ सेल्फ न्यूट्रिशन। सो इन दिस ट्राइव ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम एटमोसफेयर। इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटमोसफेयर से रॉ मटेरियल लेकर के एंड मेक देयर फूड इट्सेल्फ, वो अपना फूड जो है वो खुद से बना लेते हैं इन द प्रीसेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रीसेंस में, सनलाइट की। दिस मटेरियल, वो मटेरियल कौन सा होता है, इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर विच इज कन्वर्टेड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारा, फूड एंड क्लोरोफिल। बेटा क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में होता है, इसी की वजह से जो लीव्स होती हैं, हमारी पत्तियां होती हैं, वो कैसी होती हैं, ग्रीन होती है। सच इंडिविजुअल विच कैन मेक दियर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड इट्सेल्फ। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद ही बना लेते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड बेटा जो भी आपको समझ नहीं आता है, आप प्लीज़ कमेंट करें और अपना डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें। थैंक यू।